नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 22 अगस्त, जो फटाफट बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल चीन को लेकर पार्टी से निष्कासित चीनी नेता का बड़ा खुलासा। जिनपिंग इसलिए करवा रहा है भारत और चीन के बीच विवाद। जानेंगे किस तरीके से टूट रहा है चीन, इसको लेकर दबाने की आवाज़ कर रहा है चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग। और उस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, चीन ने अब एक नया यात्रा शुरू कर दिया। नेपाल के साथ मिलकर माउंट एवरेस्ट की फिर से मापेगा ऊंचाई। वहीं आपको बता दें कि इस्लामीकरण की तरफ बढ़ रहा है तेजी के साथ तुर्की। राष्ट्रपति एर्दोगान ने एक और चर्च को मस्जिद में बदलने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही जानेंगे क्या कुछ अमेरिका ने चीन को दिया है बड़ा झटका। खत्म कर दिए हैं 3 अहम द्विपक्षीय समझौते। वहीं मुहर्रम में शिया धर्मगुरु का बड़ा ऐलान, बोले ताजिया को मिले इजाज़त निकालने की, योगी सरकार के सामने करेंगे गिरफ्तारी। इसको लेकर ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और इस बीच सऊदी अरब में तनाव के बीच यूएई इसराइल पीस डील से बढ़ी पाकिस्तान की मुश्किलें। जानेंगे कैसे यूएई और इसराइल के साथ आने से पाकिस्तान को तगड़ा झटका। वहीं सुशांत सुसाइड केस में क्या कुछ बड़े मामले निकल के आ रहे हैं। तो विकास दुबे गैंगस्टर पर बन गई है फिल्म, ये भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से जानेंगे। जहां पर राम मंदिर निर्माण से तिल मिलाए पाकिस्तान, अब हिंदू नेता बीजेपी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की करवाना चाहता है हत्या, ये भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल देश कोविड-19 को बल्कि देश के दुश्मनों को भी मुंहतोड़ जवाब देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पार्टी से निष्कासित चीनी नेता का खुलासा। इसलिए जिनपिंग कर रहा है दुनिया से दुश्मनी। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आलोचना करना पार्टी के एक आजीवन सदस्य को भारी पड़ गया है। दरअसल काई जिया ने जिनपिंग पर आरोप लगाया था कि वो चीन के लोगों का आर्थिक और सामाजिक दिक्कतों से ध्यान भटकाने के लिए भारत और चीन के बीच विवाद खड़ा कर भड़का रहे हैं। इसके बाद आरोपों के बाद काई को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद पता चला है कि जिनपिंग का अपनी ही पार्टी में विरोध हो रहा है। जिया पिछले 1.5 दशक से चीनी के सेंट्रल पार्टी स्कूल में प्रोफेसर थे, जहाँ पर धनाढ्य और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को पार्टी के आदेशों और सिद्धांतों की सीख दी जाती है। जिया ने कहा है कि जिन लोगों को मैंने पाठ सिखाया उन्हें ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उनके मुताबिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अब राजनीतिक खिचड़ी में बदल गई है। अमेरिका में रह रहे काई सिया ने कहा है कि जिनपिंग की शक्तियां असीमित हो चुकी हैं, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता है, पर पार्टी में ही अमेरिका के बीच टकराव जैसे मुद्दों पर दबी आवाज़ में जिनपिंग की आलोचना भी हो रही है। जिया ने कहा है कि वुहान में कोरोना महामारी पूरे देश और दुनिया में फैली मौत के आंकड़े को भी लेकर जानकारियां चीन छिपा रहा है। जिया के मुताबिक सत्ताधारी पार्टी दुर्घटनाग्रस्त है, चीन टुकड़ों में बटा है, पार्टी के नेता आपस में ही विरोधाभासी हैं, अधिकतर नेता भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। तरीके से ये खुलासा उन्हीं की पार्टी के ही एक नेता ने किया है। आपको चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि तुर्की इस्लामीकरण की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। राष्ट्रपति एर्दोगान ने एक और चर्च को मस्जिद बनाने का ऐलान किया। इस्लामीकरण की राह पर चलते हुए तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने शुक्रवार को एक और प्राचीन रूढ़िवादी चर्च कोस को मस्जिद में बदलने का आदेश जारी कर दिया। हालांकि यहाँ पर नमाज कब पढ़ी जाएगी अभी इसके बारे में कोई बातें नहीं कही गई हैं, लेकिन आपको बता दें कि हागिया सोफिया को मस्जिद में बदलने के आदेशों के बाद पहली बार यहां नमाज पढ़ी गई थी तो मदर मैरी के चित्र पर पर्दा डाल दिया गया था। पहली बार 4वीं शताब्दी में चर्च बनाया गया था, लेकिन इसकी अधिकांश मौजूदा इमारतें 6वीं शताब्दी की हैं। भूकंप आने के 200 साल बाद इसे आंशिक रूप से फिर से बनाया गया है। वर्ष 1453 में जब अंकारा पर मुस्लिम आंदोलन साम्राज्य ने कब्जा किया तो इसे मस्जिद में बदल दिया गया था, और इसके बाद से इसको फिर से मस्जिद में बदल दिया है तुर्की ने, एक और चर्च को मस्जिद में बदल दिया है। तो इस तरीके से कट्टर इस्लामीकरण की तरफ से तुर्की आगे बढ़ रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने चीन को दिया एक और झटका। खत्म कर दिए हैं 3 अहम द्विपक्षीय समझौते। दरअसल कोरोना वायरस को लेकर जारी तकरार के बीच अमेरिका ने चीन को एक और बड़ा झटका दिया। हांगकांग में लगातार मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए चीन को एक और बड़ा झटका देते हुए अमेरिका ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ
तीन द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित कर दिया है। दरअसल चीन के हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद से ही अमेरिका खफा है। अमेरिका का मानना है कि इस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की वजह से चीन हांगकांग के नागरिकों की स्वतंत्रता को कुचल रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय विभाग प्रवक्ता मार्टन ऑर्गर्ड ने कहा है कि चीन कम्युनिस्ट पार्टी ने स्वायत्तता को खत्म करने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। इसका बीजिंग ने संयुक्त राष्ट्र में पंजीकृत को पूरी तरीके से 50 साल का वादा किया था और इसी के खिलाफ अब हम इस अहम द्विपक्षीय समझौतों को ख़त्म करते हैं। तो ये बड़ा ऐलान, हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि मुहर्रम पर शिया धर्मगुरु का बड़ा बयान, बोले ताजिया तो निकाल कर ही रहेंगे, सरकार अगर नहीं करेगी तो गिरफ्तारी भी देने को तैयार हैं। दरअसल इस्लामिक कैलेंडर का नया साल यानी मुहर्रम का महीना कल 21 अगस्त से शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि यूपी समेत देश के तमाम हिस्सों में बीते शाम मुहर्रम का चांद देखने की तस्दीक की गई। हज़रत इमाम हुसैन समेत करबला के 72 शहीदों की याद में गमजदा होने की वजह से इस्लाम धर्म को मानने वाले नए साल के होने के बावजूद इस महीने में कोई खुशियाँ नहीं मनाते हैं, पूरे महीने गम से डूबे रहते हैं। और इस बीच मुहर्रम के महीने में शिया समुदाय के लोग मातम और मजलिब करते हैं और ताजिया के जुलूस भी निकालते हैं। हालांकि इस साल कोरोना वायरस महामारी के कारण मातम मजलिस और ताजियों के जुलूस पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन की इस रोक पर लखनऊ में शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जब्बाद ने नाराज़गी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि फिलहाल हम तो ताजिया तो निकाल कर ही रहेंगे और योगी सरकार अगर ऐसा नहीं करने देगी तो हम उसके सामने गिरफ्तारी भी देंगे। इस तरीके से उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब से तनाव के बीच यूएई इसराइल पीस डील से बढ़ गई है पाकिस्तान की मुश्किलें। कश्मीर के मुद्दे पर बेवजह छटपटाहट से सऊदी अरब से रिश्ता ख़राब कर चुकी पाकिस्तान की विदेश नीति अब संयुक्त अरब अमीरात इसराइल शांति समझौते से नई मुश्किल में गिर गई है। हाल ही में एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसराइल के साथ संबंध स्थापना की संभावना को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। इमरान खान ने इंटरव्यू में कहा है कि हमारा रुख पहले ही दिन से स्पष्ट है और कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान इसराइल को तब तक स्वीकार नहीं कर सकता है जब तक कि फिलिस्तीन के लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल जाता है। इसराइल और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्ते नहीं हैं। सत्ता में 2 साल पूरे करने वाली इमरान सरकार के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने विवादित बयान दिया था, हालांकि अब उनको बड़ा झटका लगा है। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि सुशांत मामले में शुरू हुई सीबीआई जांच, स्टाफ से हुई पूछताछ। दरअसल आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह की मौत के मामले में सीबीआई ने मुंबई में अपनी जाँच शुरू कर दी है। उसे मुंबई पुलिस ने इस प्रकरण की जाँच से संबंधित सभी दस्तावेजों वस्तुएं प्राप्त हो गई हैं। सीबीआई की एक टीम ने शुक्रवार को घटनास्थल का मुआयना किया और 2 अलग-अलग टीमों ने सुशांत के घर पर काम करने वाले 2 लोगों के बयान भी दर्ज किए। गुरुवार शाम मुंबई पहुंची सीबीआई की 15 सदस्यीय टीम ने शुक्रवार सुबह से ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच शुरू कर दी है। ये एक बड़ी अपडेट है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि गैंगस्टर विकास दुबे पर बनी फिल्म का ट्रेलर जारी। जी हाँ, आपको बता दें कि गैंगस्टर विकास दुबे के जीवन पर आधारित फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है। फिल्म का शीर्षक प्रकाश दुबे कानपुर वाला है, जिसे गोल्डन बर्ड पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इसका ट्रेलर जारी कर दिया गया है। मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की तरह नजर आने वाले अभिनेता प्रमोद विक्रम सिंह फिल्म में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। एक और गैंगस्टर अमर दुबे, जिसे फिल्म में समर के नाम से दिखाया गया है, उसका भी ट्रेलर में अहम किरदार में दिखाया गया है और उसकी उपस्थिति भी नज़र आई है। तो दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो YouTube पे प्रकाश दुबे कानपुर वाला मूवी सर्च कर सकते हैं, आपको ट्रेलर दिख जाएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण पर पाकिस्तान की बदले की साजिश, हिंदू नेताओं संतों की हत्या का षड्यंत्र। दरअसल कश्मीर में हार के बाद से पाकिस्तान बौखलाहट में अनाप शनाप हरकतें कर रहा है। इंटेलिजेंस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान हिंदुस्तान में दंगे भड़काना चाहता है, हिंदू नेताओं की हत्या का षड्यंत्र रच रहा है। गुजरात में दाऊद गैंग के पकड़े गए सार्क शूटर ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल भारत में रामराज्य की परिकल्पना पाकिस्तान को हजम नहीं हो पा रही, इसलिए सांप्रदायिकता सद्भाव के खिलाफ पाकिस्तान चाल चल रहा है। इसी कड़ी में ये भी जानना बेहद जरूरी हो गया है कि अल्पसंख्यकों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले पाकिस्तान में 194 हिंदुओं का धर्मांतरण कैसे करा दिया गया। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान कहीं ना कहीं हिंदुओं के खिलाफ एक माहौल बनाया है और
टारगेट करने की कोशिश की। ऐसे में पाकिस्तान की पोल लगातार खुलती चली जा रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से मस्जिद की बात थी तो अब उसकी पोल खुल रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर एक बार फिर यूपी में मतदाता सूची पुनरीक्षण आदेश निरस्त। अब समय से पंचायतों का नहीं हो सकेगा गठन। जी हाँ, पंचायती चुनाव यूपी में फिलहाल टलने वाले हैं। प्रधानी के COVID-19 के मद्देनज़र यूपी के पंचायत चुनाव को लेकर फैली अनिश्चितता फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग ने एक आदेश से खत्म होती दिख रही है। दरअसल आयोग ने 1 सितंबर से मतदाता सूची के बृहद पुनरीक्षण संबंधी अपने ही आदेश को निरस्त कर दिया है। इसमें अब तक माना जा रहा था कि पंचायतों का समय से गठन नहीं हो सकेगा। यूपी में मौजूदा पंचायतों का 5 वर्ष का कार्यकाल 25 दिसंबर को पूरा हो रहा है। समय से चुनावी प्रक्रिया पूरी करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को सामान्यतः 6 माह चाहिए होते हैं। विशेष परिस्थिति में आयोग न्यूनतम 4 महीने में भी चुनाव करा सकता है। परिसीमन के आंकड़े मिलने के बाद मदर रोल तैयार करने में जहां 10 से 15 दिन लगते हैं, वहीं मतदाता सूची के पुनरीक्षण में 75 से 90 दिन और चुनाव प्रक्रिया के लिए 35 से 45 दिन चाहिए ही होते हैं। ऐसे में 19 अगस्त को सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर 1 सितंबर से मतदाता सूची का पुनर्परीक्षण संबंधी अपने विचार बताते हुए तैयारियाँ करने के लिए कहा गया था। लेकिन इसके अगले ही दिन समय से पंचायत चुनाव होने पर भी कुछ घंटे पर ही इस पर रोक लगा दी, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि फिलहाल ये आदेश अब त्रुटिवश था और ऐसे में फिर से चुनाव नहीं हो सकता है पंचायत चुनाव का, यानी टलने के पूरे आसार हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि सख्त होंगे गाड़ी रजिस्ट्रेशन के नियम, मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। दरअसल आपको बता दें कि एक के बाद एक जिस तरीके से देश भर में तमाम गाड़ियां निकलती हुई दिखाई दे रहे हैं और देश भर में सड़कों पर गाड़ियों का हुजूम निकल रहा है, ऐसे में योगी सरकार अपने रजिस्ट्रेशन पॉलिसी में भी बदलाव करने जा रही है। आने वाले वक्त में नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के नियम सख्त हो सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार गाड़ी के मालिकाना हक के लिए जरूरी फॉर्म 20 में संशोधन करने की तैयारी में। हम आपको बता दें कि इस फॉर्म में अब कई सुझाव मांगे गए हैं, जिसमें राजमार्ग मंत्रालय ने बयान में कहा कि मंत्रालय के संज्ञान में आया कि लोग गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में मालिकाना हक सही ढंग से नहीं दर्ज कराते हैं। बयान में आगे बताया कि मालिकाना हक के प्रकार को स्पष्ट उल्लेख के लिए फॉर्म 20 में संशोधन का प्रस्ताव भी दिया गया है और इसके साथ ही कई और कड़े स्टेप उठाए जाएंगे इस फॉर्म को लेकर। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। हम चलते हैं अगली अपडेट। बिहार चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन में ऑनलाइन नामांकन, ऐसे होगा चुनाव प्रचार। चुनाव आयोग ने कोरोना काल में इलेक्शन कराने को लेकर अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। अगले कुछ महीनों में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान इन गाइडलाइंस का पालन करना होगा। ईसी यानी इलेक्शन कमीशन की तरफ से गाइडलाइन के मुताबिक विधानसभा चुनाव के लिए जहां एक तरफ ऑनलाइन नामांकन भरने होंगे तो वहीं कई नियमों का भी पालन करना होगा। चुनाव प्रचार के दौरान डोर टू डोर कैंपेन में अधिकतम 5 लोगों की इजाज़त होगी। रोड शो के दौरान एक काफिले में 10 की जगह 5 गाड़ियां की टुकड़ियां बनानी होंगी। सुरक्षा वाहनों को छोड़कर आदि भी होंगे। वाहनों के काफिलों के 2 सीटों के बीच 100 मीटर के अंतराल की जगह आधा घंटे का अंतर होगा। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी COVID-19 गाइडलाइंस का भी पूरी तरीके से पालन करना होगा। तो बिहार चुनाव को लेकर ये इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि फेसबुक CEO मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति $100 अरब के पार, बने दुनिया के 3rd सबसे अमीर। दरअसल फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति $100 अरब के आंकड़े को पार कर गई है। अमेरिकी शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट में आई तेजी की वजह से फेसबुक के शेयरों में भी उछाल आया है। इसकी वजह से जुकरबर्ग के नेटवर्थ में इजाफा हुआ है। सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक के शेयर गुरुवार को लगभग 2 से 3% चढ़ गए। इसकी वजह से एक ही दिन में जुकरबर्ग के नेटवर्थ $2.3 अरब बढ़ गए। नेटवर्थ बढ़कर 102 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो कि अब 3rd स्थान पर पहुंच गए हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा ऐलान, नीट परीक्षा स्थगित करवाए मोदी सरकार वरना छात्र आत्महत्या कर लेंगे। दरअसल बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE के दिवाली तक स्थगित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने चेताया है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो विद्यार्थी आत्महत्या का रास्ता भी अपना सकते हैं। ऐसे में मोदी सरकार को एक अलर्ट सुब्रमण्यम स्वामी ने दे दिया है।
हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है दुनिया भर में COVID-19 के आंकड़ों पर एक नज़र डाल देते हैं। दरअसल दुनिया भर में 2,25,90,000 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं, तो मृतकों की संख्या 7,92,000 के आंकड़े पार कर गई। आपको बता दें कि यूनाइटेड स्टेट में 55,87,000 कन्फर्म केसेस, 1,74,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 35,00,000 के करीब संक्रमितों का आंकड़ा, तो वहीं 1,12,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में भी 29,05,000 कन्फर्म केसेस, तो 54,000 करीब लोगों की मौत हो गई। तो ये दुनिया भर के COVID-19 के आंकड़े हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।